पूर्व मंत्री और लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवचरण पाठक की त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस जिस प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ है, वहां की जनता गुलामों जैसे जिंदगी जीने पर मजबूर है। उन्होंने दतिया जिले में आई बाढ़ आपदा को सुनियोजित कहा बताया। उन्होंने कहा कि जिले में इतनी बारिश नहीं जिससे बाढ़ जैसी आपदा आए। बाहर से डैमों में पानी छोड़ दिया गया और दतिया जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलना तालिबान से कर कहा कि प्रदेश में बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, पूरी तरह से किसान को जो लागत है, यहाँ कल दतिया जिले में तो हालत और भसान गंभीर है। रेड इलाके में किसानों को नकली खाद लाखों रुपए की व्यापारियों ने बेची। धान के लिए वो जब लेके गए तो पत्थर हो गए, जम गई और लगातार वहां के किसान जिला प्रशासनिक अधिकारियों से, सेवा के एलटीएम से, सभी से, राजनेताओं से चर्चा की, निवेदन किया, कोई सुनने वाला नहीं। आम आदमी की रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है।